आज आपकी कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। अपन बच्चों राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं, अपन राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं पढ़ रहे हैं। तो उसके अंतर्गत बेटा राष्ट्रीय आय की अवधारणा के अंतर्गत है तक आपने राष्ट्रीय आय और निजी आय पढ़ा। आज आप पढ़ोगे वैयक्तिक आय। तो वैयक्तिक आय मतलब व्यक्तिगत है ना। तो वैयक्तिक आय देश या किसी देश की व्यक्तिक आय है वो किसी देश की या परिवार की एक लेखा पर सभी स्रोतों के वास्तव में मतलब जो व्यक्तिक आय है वो कैसी है किसी एक मतलब देश का वार्षिक लेखा वर्ष में स्रोतों से जो अपन को आय साधनों द्वारा क्या होती है प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं व्यक्तिक आय कहते हैं। ये वर्तमान हस्तांतरण होता है, इसमें भुगतान का योग होता है। वैयक्तिक आय में दो चीजें हैं बेटा, एक साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण का योग है। मतलब जो वास्तव में प्राप्त आय साधन जो होते हैं आय साधन होते हैं तथा ये वर्तमान में क्या होते हैं हस्तांतरण भुगतान का क्या होते हैं ये योग होते हैं। हस्तांतरण भुगतान का योग होते हैं। फिर है बेटा एक वैयक्तिक आय की एक परिभाषा दी है पीटरसन ने। तो पीटरसन ने एक परिभाषा दी है कि वैयक्तिक आय कैसी होती है व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से। वास्तव में जो वैयक्तिक आय होती है वह व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से प्राप्त साधन आय और वर्तमान के जो हस्तांतरण है जो अपन को भुगतान मतलब प्राप्त होते हैं हस्तांतरण जो अपन को मिलते रहते हैं आय के माध्यम से वो सबको क्या करते हैं इसमें जोड़ा जाता है। तो अपन को क्या प्राप्त होती है वैयक्तिक आय प्राप्त होती है। तो ये पीटरसन की परिभाषा है बेटा, इसको याद करोगे। फिर उसके बाद है बेटा वैयक्तिक आय के अंतर्गत मतलब जो वैयक्तिक आय है सभी स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है जो आय क्या होती है प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं वैयक्तिक आय कहते हैं। इसमें उदाहरण के लिए फर्मों या निगम से मतलब जो फर्मों निगम से लाभ प्राप्त होते हैं जो फर्म होती है फर्म या निगमों से फर्म होते हैं बड़े बड़े उद्योग होते हैं फर्म होते हैं तो उससे अपन को क्या प्राप्त होते हैं लाभ जो लाभ प्राप्त होते हैं। ये उदाहरण है कि अपन को वैयक्तिक आय कैसे प्राप्त होती है। तो उदाहरण है लाभ जो फर्म या निगम के द्वारा अपन को जो लाभ प्राप्त होते हैं वैयक्तिक आय के क्या हो गए आपके आय के स्रोत हो गए। इसके अतिरिक्त लाभ के रूप में आपके पास मतलब इसके दो अंग होते हैं सभी अंग मतलब दो अंग मतलब निगमों द्वारा क्या प्राप्त होती है अपन को निगम कर और निगम बचत। तो जो वैयक्तिक आय के अंतर्गत वर्तमान स्रोत में जो आय प्राप्त होती है वो कौन कौन से चीजों से होती है फर्मों से और निगमों से अपन को क्या प्राप्त होती है आय प्राप्त
होती है, इसके अतिरिक्त लाभ के रूप में, इसके अतिरिक्त लाभ के दो अंग, तो एक है निगम कर, जो हमको ऐसे प्राप्त होते हैं, मतलब तो निगम कर, कर अपन देते हैं, उससे भी अपन क्या प्राप्त होते हैं। दूसरा है निगम वचन, पहला है निगम कर और दूसरा है निगम बचत। तो इसके ऐतव्य में आप ऐतव्य निगम में तथा बात निगम बचत का वैयक्तिक आय में शामिल नहीं किए जाते। जो निगम के कर होते हैं और निगम बचत होती है जो, उसको वैयक्तिक आय में क्या नहीं करते, शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये आवृत क्या है, अवितरित लाभ है, इसलिए इसको आय में शामिल नहीं किए जा सकते। फिर उसके बाद है कि इसको मतलब कैसे आय को कैसे करते हैं, तो वैयक्तिक आय बराबर, मतलब जो वैयक्तिक आय होती है उसके बराबर क्या होते हैं, निजी आय होती है, निजी आय से माइनस करेंगे अपन निगम वैयक्तिक आय, उसमें आप निजी आय माइनस कर दोगे और निगम कर माइनस कर दोगे और आवितरित लाभ, तो आपकी जो वैयक्तिक आय है, वैयक्तिक आय बराबर निजी आय निगम से प्राप्त आय और निजी उद्यमों की शुद्धता बचत, ये सब क्या करेंगे आप घटा देंगे तो आपको वैयक्तिक, ये इनको शामिल नहीं किया जाता वैयक्तिक। फिर है वैयक्तिक आय बराबर राष्ट्रीय आय, वैयक्तिक आय बराबर राष्ट्रीय आय, इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र के क्या होते हैं, घरेलू उत्पाद होते हैं और निगम कर होता है और आवितरित लाभ होते हैं, सबको घटाने से क्या मिलेगी आपको, वैयक्तिक आय प्राप्त होगी। उसके बाद है बेटा निजी आय और वैयक्तिक आय में अंतर, तो निजी आय में और वैयक्तिक आय में क्या अंतर होता है, तो निजी आय में अंतर होता है वैयक्तिक आय की तुलना में, वैयक्तिक आय की तुलना में यह कैसे होते हैं, विस्तृत होते हैं। तो आप बेटा ये देख रहे हो निजी आय और वैयक्तिक आय में, तो पहला अंतर है यह कैसा है, इसकी विस्तृत धारणा होती है, निजी आय कैसी होती है, इसकी विस्तृत धारणा होती है, और वैयक्तिक कैसा होता है, ये संकुचित धारणा के होते हैं। तो ये पहला कारण है बेटा, निजी आय विस्तृत धारणा वाली होती है और वैयक्तिक आय कैसी होती है, संकुचित धारणा। और दूसरा है इसमें निगम कर एवं आवितरित लाभ आदि सम्मिलित होते हैं, आय में निजी आय है ना, और इसमें नगद निगम का और आवितरित लाभ भी शामिल है, मतलब इसमें निगम कर है जो, इसमें क्या क्या है बेटा, निगम कर में असम्मिलित, मतलब ये सभी आय सम्मिलित है, निगम कर में कर आवितरित लाभ और सब आदि, मतलब और भी जो कर बचते हैं सब शामिल हो जाती है इसमें आवितरित। तीसरा है निजी आय कैसी, मतलब तीसरा इसका अंतर है बेटा, निजी आय उद्यमों और परिवार सभी स्रोतों में आय का योग है, मतलब निजी आय प्लस उद्यम परिवार और इसके स्रोत क्या है, स्रोत और इसका पूरा योग होता है निजी आय। तो आप लोग को जो आय प्राप्त होती है कैसे प्राप्त होती है, निजी आय अपन किसी उद्योग में काम करें सभी स्रोतों इसमें आ जाए, और इसमें व्यक्तिगत एवं जो व्यक्तिक आय होती है वो कैसी होती है, व्यक्तिगत होती है और वो कैसे प्राप्त होती है, परिवार से प्राप्त होती है परिवार। इसके बाद है बेटा तीसरा निजी आय, मतलब जो होती है वो निजी आय बराबर राष्ट्रीय आय सार्वजनिक उत्पादन के क्षेत्र बराबर अंतरण है, उससे राष्ट्रीय आय को सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन को में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और समस्त चालू हस्तांतरण। उसके बाद है बेटा राष्ट्रीय आय और वैयक्तिक आय में अंतर, तो राष्ट्रीय आय कैसी होती है, प्रति व्यक्ति आय को मिलाकर जो बनती है राष्ट्रीय आय, और वैयक्तिक आय क्या होती है, वैयक्तिक आय जो किसी, मतलब किसी व्यक्ति के परिवार का एक लेखा जो सभी स्रोतों के वास्तव में प्राप्त आय लाभ का हस्तांतरण होता है उसे वैयक्तिक आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय का सर्जन, मतलब यह आय सर्जन संबंधी धारणा है, मतलब जो
आय संबंधी सर्जन का अवधारणा है। दूसरा है बेटा ये आय प्राप्ति धारणा है, मतलब इसमें आय की प्राप्ति होती है और ये राष्ट्रीय आय आय सर्जन मतलब सर्जन मतलब बना ना बेटा। फिर निजी एवं सरकारी दोनों आय समूह, राष्ट्रीय आय में जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय में निजी एवं आय क्या होती है शामिल होती है। फिर तीसरा है इसमें निगम कर एवं आवित्रित लाभ, जो निगम कर होते हैं और आवित्रित जो आवित्रित लाभ होते हैं इसमें क्या होते हैं शामिल होते हैं काय में राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में निगम के कर एवं आवित्रित लाभ, मतलब निगम में जो कर वो राष्ट्रीय आय होगी, तो जो कर अपन जमा करते हैं वो राष्ट्रीय कर। व्यक्तिगत आय होती है व्यक्तिगत होती है बेटा, तो उसमें निगम के कर एवं लाभ शामिल नहीं होते। तो ये तीन अंतर हो गए बेटा, राष्ट्रीय आय में क्या क्या होता है और व्यक्तिगत आय में, तो ये तीन हो गए। उसके बाद बेटा चौथा है इसके अंतर्गत आएगा, इसमें राष्ट्रीय ऋणों व ब्याज शामिल नहीं होते। तो राष्ट्रीय आय में जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें तो राष्ट्रीय आय जो है राष्ट्रीय आय में और ये राष्ट्रीय आय और व्यक्ति का, तो इसका चौथा वो है राष्ट्रीय मतलब जो आय है उसमें राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं होते। जो राष्ट्रीय ऋण होते हैं उसमें ब्याज क्या होते हैं शामिल नहीं होते, राष्ट्रीय ऋणों में ब्याज शामिल नहीं होते। उसके बाद है व्यक्तिगत आय में राष्ट्रीय ऋणों एवं ब्याज दोनों को क्या किया जाता है शामिल किया जाता है। व्यक्तिगत आय जो कि ये व्यक्तिगत है इसमें आपके इसमें राष्ट्रीय ऋण आप जो ऋण लोगे और उस पर ब्याज दोनों क्या है शामिल है। और राष्ट्रीय आय में अंतरण भुगतान शामिल नहीं होते, मतलब राष्ट्रीय आय है उसमें अंतरण भुगतान शामिल नहीं होते। और व्यक्तिगत आय जो व्यक्तिगत आय होती है उसमें समस्त तब जितने आप मतलब जो समस्त चालू वर्ष के जो अंतरण भुगतान होते हैं वो क्या होते हैं शामिल होते हैं। तो ये हुआ बेटा आपने आज वैयक्तिक आय के अंतर्गत निजी आय और वैयक्तिक आय में अंतर पढ़ा। उसके बाद दूसरा पढ़ा बेटा राष्ट्रीय आय और वैयक्तिक आय में अंतर, तो ये एक कारण है। इसके बाद ही बेटा इसमें एक और है कि इस प्रकार आवित्रित लाभ भी शामिल होते हैं, राष्ट्रीय आय जो होती है उसमें आवित्रित लाभ भी शामिल होते हैं और निगम कर शामिल सम्मिलित नहीं होते काय में वैयक्तिक आय। तो ये आपके दो अंतर हो गए, राष्ट्रीय आय में अंतर और वैयक्तिक आय में अंतर, निजी आय में आप इनको याद करोगे। और मतलब बेटा ये परीक्षा की दृष्टि से निजी आय राष्ट्रीय आय वैयक्तिक आय में अंतर और निजी आय और वैयक्तिक आय में अंतर, मतलब आपको दोनों क्या करने हैं याद करने है।